अगर स्टेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो इज अ नॉर्मल टू इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन अगर ये लाइन इस इलिप्स पे नॉर्मल है तो ये कंडीशन होगी नॉर्मल के लिए फिर इफ ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये इलिप्स हाँ है, है आपका ये यहाँ पे टेंजेंट होगी ये लाइन है जो नॉर्मल है आपका इलिप्स पे तो ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल तो ये कंडीशन होगी कंडीशन टू बी नॉर्मल ठीक है क्वेश्चन लेते हैं इफ स्टेट लाइन एक्स माइनस a टू ए इज नॉर्मल टू दिलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीनवल टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अब देखो सबसे पहले तो इसमें कहा है कि लाइन इस पर नॉर्मल है और ए की वैल्यू निकालनी है नॉर्मल की कंडीशन टू बी नॉर्मल क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे नाइन है तो ए स्क्वायर नाइन हो गया एल एक्स का जो कोफिशेंट है यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट है वन वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा तो नाइन अपॉन वन हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी जो वाई स्क्वायर के नीचे है सिक्सटीन अपॉन एम स्क्वायर एम यानी जो वाई का कोफिशेंट है वाई का कोफिसंेंट है माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर करेंगे वो भी वन हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नाइन माइनस सिक्सटीन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे अब नाइन माइनस सिक्सटीन कितना हो माइनस सेवन उसका स्क्वायर करेंगे फोर्टी नाइन अपॉन ए स्क्वायर अब नाइन प्लस सिक्सटीन कितना हो गया आपका ये हो गया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इक्वल टू फोर्टी नाइन अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये इधर आएगा फोर्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और ए इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो सेवन अपॉन फाइव यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो सेवन अपॉन फाइव आ जाएगी अब देखो ये कंडीशन टू भी नॉर्मल आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं यहाँ पे देखो एक्स स्क्स तो तो का यहाँ पे l है अब देखो ये बराबर का मुकाबला होना चाहिए जब ये स्क्वायर में है तो एक्स काट है एल उसको भी हम स्क्वायर में बनाएंगे ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बी स्क्वायर एजिट इज वाई का है उसको भी हम स्क्वायर में बनाएंगे इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के डिफरेंस का होल स्क्वायर अपॉन जो टर्म है इसको भी स्क्वायर में रखेंगे तो ये कंडीशन टू भी नॉर्मल है इसके बेस पे हमने ए को कैलकुलेट किया है